पता है बच्चों, कभी कभी ना लगता है कि यार ये मैथमेटिक्स का सिलेबस खत्म क्यों नहीं होता है यार, कितना ज्यादा है। बच्ची हाँ, आप सही हैं। ऑब्वियसली जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीजें ध्यान ध्यान में आएगी ही कि इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा है। बट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दैट। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए बनाया गया है, तो आपको कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझे लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। अभी चूंकि टाइम बहुत कम है तो बहुत ज्यादा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आगे आपके कोई रिलेटिव्स हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं कोर्स कंटिन्यू करूंगा, और नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल होएगा। अभी आपके लिए बस एक क्रैश कोर्स का है जो प्रैक्टिस सेशन है, एक टेस्ट टाइप का है जो कुछ क्वेश्चंस को, जो अप्रोच टिपिकली होता है कि आप कैसे सोचते हैं, वो सारे माइंडसेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है, आपका पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है जो मैं आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसी बात है, नहीं जानते तो आप रिवीजन करिए, उसके बारे में जानिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको लोकस का सवाल है, जो मैंने बताया था कि लोकस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जेड को मैं ऐसे कट करके लिख रहा हूँ, 2z+1 डिवाइडेड बाय आई जेड, आईटा जो होता है, iz+1, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ये -4 दिया हुआ, बाकी किसका वैल्यू, ये इसके इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू इसका इतना दिया हुआ है ना। आपको पता है जेड इक्वल टू, आपको मैं बस एक बेसिक करवा देता हूं, तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट और ये पार्ट होता है इमेजिनरी। तो आयोटा वाला जो आएगा तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो आप क्या बोल रहा है, ये सवाल कहता है कि अगर ऐसा कंडीशन आपको हम दे दें, तो ये जो जेड है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका लोकस बताइए, ये लोकस क्या है। अभी ने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शंस क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। वो ऑप्शंस दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया है ना, उसके बाद एलिप्स हो गया, इनमें से कोई भी ये जो आपका ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स है ये हो सकता है। तो अब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका लोकस हमें निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन 2z+1 upon iz+1 इज इक्वल टू -4। ये इतना बस छोटा सा सवाल है और ये सवाल आपको क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने ये सवाल पढ़ लिया है अभी तक और आपको क्लियर भी हो गया होगा, बहुत आसान है। अब तो आप सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो यूं ही चुटकी में सॉल्व कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, आसानी से कर सकते हैं, मैं भी उसी तरह की कोशिश करूंगा। बट ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। तो आपको क्या करना है, यही जो z=x+iy, एक थंब रूल होता है कि आपको जब भी एक रैशनलाइजेशन वाला काम करना है या आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो आप z=x+iy यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 2z+1 / iz+1। आप इसको लिख लीजिए, मैं सीधा लिख देता हूँ 2 × x+iy + 1 / हो गया iy + 1। इस एक्सप्रेशन में जो चीजें यूज हो रही है, iy² आपने सुना होगा, ये इसकी वैल्यू -1 होती है, ये आपको पता ही है, इसका यूज करने वाले हैं हम। और यहां पर आपको हो जाएगा 2x+1, ये हो गया रियल पार्ट +2iy, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रियल पार्ट हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा आपका आयोटा के साथ अगर आप लेंगे तो 1 - y हो जाएगा, ये आप i² को रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, ये हो जाएगा iy + iy, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया। अब भाई जब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है और आपको इसको अल्टीमेटली किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x + iy में, तभी आप इमेजिनरी पार्ट इसका -4 लिख पाओगे, तो
इसमें सिंपल सा मेथड होता है, उसको बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन, या ये बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को आप एक नंबर बना दो। नंबर कैसे बनाएंगे, इसका जो ये आयटा वाला साइन होता है इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी, ऊपर नीचे। तो 1 माइनस वाई आपका माइनस हो गया आयटा एक्स, और ये हो गया 1 माइनस वाई माइनस आयटा एक्स। एक एक्सप्रेशन जाना पहचाना सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको लगा देना यहाँ पर, और ये आप लगाएंगे आप मल्टीप्लीकेशन वगैरह, तो आई होप आप ये कर ही सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो मैं फाइनल एक्सप्रेशन यूज करने वाला जो आपका यहाँ आएगा वो एक्सप्रेशन होने वाला है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो है, ये मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, बहुत आसान है, ये तो मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद से करो। ये हो गया, और इसमें आपका जो है ये अगर आप इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा टू आयोटा आई वाई टू आयोटा वाई, इसका इसको आप एक जगह ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब आप ये करेंगे, ठीक है। और फिर से आप इसको फर्दर इसमें आप लिख सकते हैं 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, जैसा था वैसा ही हमने इसको उठा के लिख दिया। नीचे आपका एक्सप्रेशन चेंज आएगा, तो नीचे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसी बात है, आप इस फॉर्मूला पे लिखेंगे ये जो आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए, चूंकि ए स्क्वायर होगा तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये माइनस और ये आयोटा स्क्वायर वाला माइनस वन, ये मल्टीप्लाई होके आपको प्लस वन दे देगा। अब बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की, इस वाले एक्सप्रेशन की, इसका जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू आपको माइनस फोर दिया होगा। किसका इमेजिनरी पार्ट भाई, इसका इमेजिनरी पार्ट का। तो हम क्या लिखेंगे इमेजिनरी, अब इसको मैं जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, ठीक है, आपने लिख दिया। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, कोई भी बता सकता है, आराम से कमेंट सेक्शन में आप लिखिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इमेजिनरी पार्ट जो यहां से निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 2 माइनस 1 माइनस वाई माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करो आप और आपको यहां पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और नीचे तो वही आप इसको अरेंज थोड़ा सा कर लो, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया जी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, अब इसकी वैल्यू दी हुई है जी माइनस 4, ये कहां से आया, ये ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उससे आया। अब ये जब दिया हुआ है तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर देते, 4 बटे 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो गया, तब जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन के आएगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं, वो क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा एक्सप्रेशन वो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स, ये मिलेगा उसको, उसको आप फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे आगे, इसको फिर 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये सारे आप बाद में अरेंज कर लोगे, प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके, सिंपल सा है। अब आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन इससे आ जाएगा, आप इसको x स्क्वायर को सेट भेज दोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है ना माइनस x माइनस x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन है और आप में से कई लोगों ने सोच ही लिया होगा कि ये किसका एक्सप्रेशन है, ये है बेसिकली सर्कल का इक्वेशन है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया सर्कल।
अब मैंने जो इतना ज्यादा तामझाम किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना सारा कुछ किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये करने का तरीका क्या है, इसका इससे आपको प्रोसेस पता चलना चाहिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में थॉट क्या होता है, कहाँ पर पहले जाते हैं, कहाँ पर सोचते हैं, ये सब चीजें आई होप आपके अंदर होगा ही, बजे आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे अलजेब्रा का फॉर्मूला कुछ लोगों के लिए भी चमक नहीं रहा होगा कि ये कहाँ से आया, बट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये था सवाल नंबर एक जो मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। कुछ और भी सवाल लेता हूँ जो मेरे ख्याल से आपके लिए काम आने वाला है, तो आप वो सवाल नोट डाउन कर सकते हैं और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल है। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे दिया उसने, वो एक्सप्रेशन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ वैल्यूज निकालने हैं। वो वैल्यूज क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ, ए माइनस आई। अब क्या है कि इसमें कंडीशन क्या है कि ए इज अ रियल नंबर, ये आपको पता चल गया। ये देना क्यों जरूरी था, क्योंकि एक्सप्रेशन में जो यूज हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में यूज हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ये आपको इंटीजर टाइप में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वहां पर पूछा जा सकता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, और सॉल्यूशन में बस सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री प्लस आयोटा हो गया एक साइड, इंटू ए माइनस आई हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वो हो गया टू ए प्लस टू आई, सिंपल सा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, बहुत बहुत सिंपल है। आपको ए कॉमन लेना है क्योंकि ये रियल पार्ट है, और ए कॉमन लेके चूंकि ए रियल नंबर है तो आपको इसको सॉल्व करके रियल पार्ट को बराबर करना है, सिंपल सा करना। अब क्या करेंगे आप इस एक्सप्रेशन में से ए कॉमन लेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा ये टू प्लस आयटा हो जाएगा, और दूसरा जो एक्सप्रेशन बनेगा रूट थ्री प्लस टू आयटा हो गया, आयटा आयटा मैंने एक साथ कर दिया और ये हो गया माइनस वन, ठीक है। तो आप फाइनली जो ए का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, आपको भी पता है रूट थ्री प्लस टू आयोटा माइनस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा नीचे रूट थ्री माइनस टू प्लस आयोटा रूट थ्री माइनस टू प्लस आयोटा, ठीक है। तो अगेन आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ करना क्या है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है कि एक रियल नंबर है तो इसका आपको रियल पार्ट लेना है, बट डायरेक्टली ये चूंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी है तो आप इसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, भाई इसी का काउंटर पार्ट से। तो उसका काउंटर पार्ट क्या है, रूट थ्री माइनस टू माइनस आयटा, यहाँ पर होगा रूट थ्री माइनस टू, यहाँ भी माइनस आयटा, सेम नंबर से आप रैशनलाइज कर दिया आपने। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, और आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो मिलने वाला है आपका रियल पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा फोर डिवाइडेड अपॉन एट माइनस फोर रूट थ्री, ठीक है। तो आप इसको दिखा सकते हैं कि फोर यहाँ से कॉमन लेंगे ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी आंसर होगा ए का वो होगा एक रियल वैल्यू, और वो रियल वैल्यू ये है। एक रहा बहुत बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और जो जे एडवांस में ये पूछा गया है तो इसीलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप इसमें से ऑप्शन में जो भी दिख रहा होगा आप उसको टिक कर सकते हो। नोट कर लो या फटाफट नोट कर लो, आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, काइंड ऑफ जो क्लास में इलस्ट्रेशन होता है वैसा होता है, बट चूंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा आप ये सब चीजें सीख जाओगे तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक कॉम्प्लेक्स सवाल करते हैं आर्गुमेंट का। देखो यहाँ पर जो सबसे सीखने वाली बात है ना वो है आपको प्रोसेस सीखना है। आपको ऐसा नहीं है कि सॉल्व करने नहीं आता है या फिर आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना, आपको सब कुछ आता है, बस मैं एक तरीके से बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कैसे धीरे धीरे सॉल्व करोगे। अभी चूंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। बड़ा सा एक सिंपल सा फंडा दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया इज इक्वल टू मॉड जेड वन माइनस टू,
दूसरा भी दे दिया कि रियल पार्ट ऑफ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो है मॉड जे टू माइनस टू। कई सारे लोगों के चमक गया होगा, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ये मॉड है बेसिकली, तो इसको भी डिलीट मार देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये बेसिकली जेड टू माइनस टू ये मॉड हो गया, यहाँ भी मॉड हो गया। अब ये दो कंडीशन दिया हुआ है, जहां पर दिया हुआ है कि ये जेड वन जो जेड टू है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है जी। अब ऐसा करता है तो कुछ तो पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है कुछ पूछेगा। इसमें अब एक और भी चीज दिया हुआ है, इसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ पूछने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया था टिक में ट्रिक में कि क्या गिवेन होता है, क्या पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करते हैं, ये तीन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उसका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या दिया हुआ है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, ये जो दिया हुआ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री कितना होता है बच्चे, 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कुछ, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई साहब हमें सिंपल सा जो है ना, बहुत ज्यादा मैं नहीं पूछूंगा आपसे, बस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू बता दीजिए क्या हो रहा है, बस ये सवाल है बस। अब आपको ऑप्शन बहुत सारे यहाँ दिए हुए हैं, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे अप्रोच करोगे, बहुत ही सिंपल सा है। बोलेंगे सर बहुत आसान है, क्या सवाल पूछ रहे हो, अरे बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जो मैंने बोला था आपने जो सीखा है वही आपको करना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन जेड टू, अब अचानक से तो सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसको क्या लेंगे, एक्स वन प्लस आईटा वन है, दूसरा जेड टू का ले लेंगे एक्स टू प्लस आईटा जेड टू, ले लिया आपने। अब इसको उठा के दोनों को उठा के एक्सप्रेशन में डाल दीजिए और आपको दोनों एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर लेना है, और उसमें रियल पार्ट ऑफ जेड वन रियल पार्ट ऑफ जेड टू तो ये आपको करना है। तो आपको पता है कि मॉड्यूलस जो जेड होता है, मैं एक थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ जेड अगर एक्स प्लस आईटा वाई आपने लिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन जो थियोरी है, इसके बेसिस पे ये हमें यूज होने वाला है। रियल पार्ट ऑफ जेड वन क्या है जी, रियल पार्ट ऑफ जेड वन है एक्स वन, एक्स वन ले लिया, और इसका जो चूंकि ये रियल पार्ट है तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा स्क्वायर मार दो तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर जेड एक्स टू के लिए हो जाएगा एक्स टू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस टू प्लस वाई टू स्क्वायर, और इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर उसका छूट गया है प्लस वाई टू स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ा ही सुंदर सा एक्सप्रेशन दिखेगा आपको। यहाँ से आपको जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका सिंपल सा, फोर एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ से जो निकल के आ जाएगा सिमिलरली फोर एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू स्क्वायर प्लस फोर, सिमिलर एक्सप्रेशन है, और ये आपको यहाँ से निकल जाएगा। अब इन्होंने दिया क्या है कि आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, और आपको चूंकि जेड वन माइनस जेड टू दिया हुआ है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जेड वन माइनस जेड टू, तो जेड वन माइनस जेड टू आपको यहाँ से पूरा का पूरा पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, ये दोनों एक्सप्रेशन को वन, इसको मानेंगे दो, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या कर रहे हैं आप, वन माइनस टू कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा भाई, मिलेगा फोर इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, और ये मिल जाएगा आपका दूसरे साइड में वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इन दोनों में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चार चार कैंसिल हो जाएगा, फोर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कुछ कुछ स्टेप हटा रहा हूँ जो बहुत बेसिक सा स्टेप्स है, आप खुद से वो कर सकते हो, बहुत बड़ा तीर नहीं है, ठीक है। अब आप इसको इवेल्युएट कर लो, थोड़ा सा इवेल्युएट करोगे तो कैसे मिलेगा, ये एक्स वन माइनस एक्स टू हो गया इज इक्वल टू, ये कुछ जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, थोड़ा देर पहले सॉल्व किया था, हाँ जी सॉल्व किया था, वाई वन प्लस वाई टू यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये आपने लिख लिया, इसको तोड़ दिया। अब ये आपने इसको ब्रेक कर दिया तो अब आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज वाई वन प्लस वाई टू। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, इसका आपको
अभी पता चलेगा कि हम क्यों निकाल रहे हैं एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई टू। ये दो एक्सप्रेशन आपको मिल गए। अब चूंकि कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है, आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। जब आर्ग्यूमेंट दिया हुआ रहता है तो कैसे आर्ग्यूमेंट निकालते हैं ये चीज आपको पता ही होगा, थ्योरी में नहीं पता है तो आप जाइए रिवाइज करिए। और आर्ग्यूमेंट आपको दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, जेड वन माइनस जेड टू, क्या दिया हुआ है, पाई बाय थ्री दिया हुआ है। बस आपको ये निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू क्या है भाई। ये आपको सिंपल सा पता है कि ये टेन थीटा होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू, यानी कि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है कि y2 माइनस, तो ये tan थीटा निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री हो गया इसका। अब ये थीटा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, x1 माइनस आई एक्स टू प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ठीक है यही आएगा। अब ये होता है कि इमेजरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये होता है टेन थीटा जो हम यहां से निकालेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा y1 वन अपॉन वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू। अब ये कई सारे लोगों को चमका नहीं होगा, चमका इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करिए, जाइए रिवाइज करिए आपको चमक जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट में होता थीटा है तो इसको टेन पाई बाई थ्री लिखेंगे, यार ये थीटा का एक्सप्रेशन होता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं टेन पाई बाई थ्री, हो गया। अब ये बहुत आसान हो गया, अरे आप तो कर लेंगे सर, अरे बिल्कुल कर लीजिए। अब टेन फाइव बाई थ्री सिक्सटी होता है, टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री। अब ये रूट थ्री होता है तो आपको आंसर क्या पूछा था, ये आंसर पूछा था इमेजनरी पार्ट का माइनस, इमेजनरी पार्ट क्या है भाई, वाई वन माइनस वाई टू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। अब आपको कुछ वैल्यू दिख रही होगी कहीं से और वो वैल्यू आप आराम से यहाँ पुट कर सकते हैं और आपको फाइनल आंसर आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन को पुट कर दीजिए और एक्सप्रेशन को आप जब आपने ये देख लिया कि आपको इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू चाहिए, वो क्या है भाई, वो है वाई वन माइनस y2। अब ये y1 माइनस y2 तो ले आया बट x1 माइनस x2 कहां से लाएंगे, x1 माइनस x2 आप यहां से फिर से निकाल सकते हैं जो आपका इस फॉर्म में आएगा और इसके बाद आप इसको सीधा यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको जो वैल्यू फाइनली आएगी वो फाइनली वैल्यू निकल के आएगी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू फोर बाई रूट थ्री, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ y1 प्लस y2 था। अच्छा ये जेड वन माइनस जेड टू लिखा है, ये जेड वन प्लस जेड टू है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का वैल्यू पूछ रहा था और जेड वन प्लस जेड टू का इमेजनरी पार्ट का जो वैल्यू होगा आप इसको जोड़ देंगे तो आपको वाई वन प्लस वाई टू मिलेगा और जो यहाँ इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो जाता है। तो आप एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन वाई माइनस वाई टू का वैल्यू दे सकते हैं और वहाँ से आपको सीधा का सीधा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल था जिसमें हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी किए हैं, इस तरह के सवाल हम करते रहेंगे।